विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गौशाला में टावर लगाने की अनुमति और नगर में बड़ी संख्या में घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर सीएमओ और बड़वाहा एसडीएम कपूतला दहन का नारेबाजी की थी, जिसके बाद तत्काल नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए नगरपालिका कंपाउंड में आवारा पशुओं के लिए अस्थायी कांची हाउस बनाया है, जहां पर पशुओं को रखा गया है। यहां सभी पशुओं को भीकन गांव गौशाला भेजा जाएगा। सीएमओ बलराम भूरे ने बताया कि बजरंग दल ने जो गौशाला की जमीन पर टावर लगाने की अनुमति का आरोप लगाया है, नगर पालिका द्वारा टावर की अनुमति नहीं दी गई थी। तनाव की गोपाल गौशाला में अनियमितताएं तो काफी दिनों से चल रही है और कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, और अभी वर्तमान के अंदर जो तनाव की सड़कों के ऊपर गोवंश माताएं बैठ रही है, गोवंश बैठ रहा है, इसको नगर पालिका से और एसडीएम महोदय ने आग्रह किया था कि इनको पकड़कर उचित स्थान पर छोड़ा जाए या पशुपालकों को सूचित कर उनको बांधने के उनको सूचना देके उनके घर पे बांधे ऐसा प्रयास होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई आनाकाने की और कोई ध्यान नहीं दिया। और जो सनाव तक मात्र कांजी है हुआ करता था उस पर किसी लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे तो लोगों का सामान पड़ा हुआ था, तो हमने सीमो साहब को बताया कि कांजी हाउस खाली कराओ और इसमें गौ माता जो रोड पे घूम रही हैं उसके अंदर छोड़े, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया गया। रहा सा एक गोपाल गौशाला तनाव की हुआ करती थी, वो एक ट्रस्टी उन्हें मिली भगत से सीमो की मिली भगत से वहाँ पर रिलायंस टावर का निर्माण कर दिया, जबकि वो गौशाला विवादित स्थिति थी, बजरंग दल और हिंदू समाज उसको उस सचिव से मुक्त कराना चाहती है कि वहाँ की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, पर फिर भी इस प्रकार की वहाँ हरकतें करके टावर लगवाना नाटक उचित है। इस विषय को लेकर हमने दो ज्ञापन दिए थे पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। सर, कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बस स्टैंड पर सीएमओ और एसडीएम का पुतला दहन किया था, तथा उन्होंने आरोप लगाया था कि गौशाला में टावर की अनुमति नगर पालिका द्वारा दी गई और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाहियाँ हुई है, क्या कुछ मामला है सर? ये टावर तो निर्मित है अभी वर्तमान में गौशाला, वहाँ में स्थल निरीक्षण भी किया था मैंने और वो पूर्व से निर्मित है और उसकी स्वीकृति जिले से प्राप्त हुई है ऑनलाइन जी। मतलब नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति कोई नहीं, नहीं दी गई है? नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं। कितना पुराना टावर लगा हुआ है सर वैसे? वो सर लगभग वो तो मैंने पूछताछ की थी, लगभग 3-1 वर्ष पूर्व का बता रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व का लगा बता रहे जी। सर वर्तमान समय में आगामी दिनों में विभिन्न प्रकार के त्यौहार आयोजित होना और कहीं ना कहीं शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण भी फैला हुआ है, इस संबंध में नगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, इस संबंध में मेरी अनुभागीय अधिकारी बरवास से राजस्व से चर्चा हुई थी, मुख्य मार्ग पर जो भी अतिक्रमण है उनके हटाने के लिए मैंने सर्वे दल गठन कर दिया है, वो सर्वे करके सूची आज प्रस्तुत कर देंगे, उसको हटाने के लिए मेरी चर्चा चल रही है, लगभग मंगलवार 7 तारीख को हटाने की हमारी तैयारी कर रहे हैं। सर नगर में आवारा पशुओं का भी जमघट लगा हुआ है, मुख्य मार्ग पर विभिन्न प्रकार के पशु घूमते दिख रहे हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, तो नगर पालिका पशुओं को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई करेगी क्या? हाँ, नगर पालिका में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें हमारे द्वारा ये त्योहारों को देखते हुए जन्माष्टमी